कोरोना महामारी के इस दौर में आपदा को अवसर मान रहे कुछ शातिर लोग ऐसे वक्त में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं तक की जमाखोरी और कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। साउथ दिल्ली पुलिस ने लोधी रोड सेंट्रल मार्केट में चल रहे नेगेजू रेस्टोरेंट एवं बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल गश्त के दौरान लोधी रोड थाना पुलिस को नेगी एंड जू रेस्टोरेंट बार के बाहर हलचल नजर आई। पुलिस जब रेस्टोरेंट एंड बार के अंदर घुसी तो वहां चार लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे थे। ये लोग एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहे थे। इसके बाद पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट के संचालक नवनीत कालरा के कई ठिकानों पर छापेमारी की तो 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट बार के अंदर से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। पूछताछ करने पर पता चला कि सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मांडी गांव के खुल्लर फार्म हाउस में भी रखे हुए हैं, जिसे ये लोग गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली के मांडी गांव में बने फार्म हाउस में छापेमारी की और वहां से 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इम्पोर्ट करते हैं और ऑनलाइन पोर्टल बनाकर दिल्ली में आम जनता को कई गुना दामों में बेच देते हैं। आरोपी 20 से 25,000 रुपए में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदते हैं और 70,000 में आगे कस्टमर को बेचते हैं। बता दें कि गिरफ्तार चार आरोपियों की पहचान गौरव, सतीश, विक्रांत और हितेश के रूप में हुई है। हितेश रेस्टोरेंट बार का मैनेजर है। हितेश की देखरेख में रेस्टोरेंट बार के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस कस्टम के अधिकारियों से भी संपर्क कर रही है क्योंकि सरकार की तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पर्सनल इस्तेमाल पर छूट दी जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं ये गिरोह पर्सनल इस्तेमाल बताकर चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो इम्पोर्ट नहीं कर रहा है, बाद में ये कमर्शियल तौर पर इन्हें बेच रहा हो। इस पहलू पर भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। डीसीपी अतुल ठाकुर के अनुसार नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले नेगे एंड जू बार से बरामदगी हुई है। नवनीत कालरा एक प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, जो दयाल ऑप्टिकल्स और खान चाचा, नेगे एंड जू और टाउन हॉल रेस्ट्रो बार और मिस्टर चाओ से जुड़े हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नवनीत कालरा ही इस पूरे गोरखधंधे का मास्टरमाइंड है। नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ट्रकधंधा करता था। इस पूरे मामले के तार अब गगन दुग्गल से जुड़ रहे हैं, जो लंदन में रहता है। जानकारी के मुताबिक गगन दुग्गल उसी नवनीत कालरा का पार्टनर है, जो अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेच रहा था। गगन दुग्गल लंदन में रहता है और मैट्रिक्स कंपनी का मालिक है। मैट्रिक्स कंपनी सिम कार्ड बनाने का काम करती है। गगन दुग्गल के मंडी विलेज के खुल्लर फार्म हाउस छतरपुर से ही पुलिस ने 387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। गगन दुग्गल की मैट्रिक्स कंपनी के नाम से ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 20,000 रुपए प्रति पीस के हिसाब से भारत में इंपोर्ट किए गए थे और अब वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 50,000, 60,000 और अधिकतम 70,000 रुपए के रेट पर जरूरतमंद और परेशान लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। दिल्ली पुलिस ने मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस कंपनी के सीईओ गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया है। 47 साल के गौरव की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है। गौरव को नवनीत कालरा से संबंध के चलते गिरफ्तार कर लिया है। नवनीत कालरा अभी फरार है और पुलिस को पता चला है कि वो अभी उत्तराखंड में छिपा हुआ है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।